मेरे पैर नहीं हैं, मगर मेरी बाजुओं में और मेरी जुबान में और मेरी इस कलम में ना इतनी ताकत है। मान्यवर कांचीराम साहब भी कलम लेकर चलते थे, कलम के बेस पर समझो 9 साल बेमिसाल रहे हैं। 9 साल केवल सड़कों पर घूमने में काट दे, 5 साल तो उन्होंने जो पूरी दुनिया घूमे, कभी लंदन जा रहा, कभी अफ्रीका जा रहा, कभी कुछ जा रहा। 5 साल के बाद जैसे उसे कुछ थोड़ा सा मिला, NRC पर लगा दे, कभी GST पर लगा दे, कभी वहाँ के दंगे करवा दे, कभी वहाँ के दंगे करवा दे, यानी कि लड़ाई करवाता फिर रहा। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अपसत रवीना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये एक ऐसा नारा है जो आज भी आपको भारत की गलियों में गूंजता हुआ दिखाई दे जाएगा। और ये एक ऐसे इंसान ने दिया है जिसने दलित समाज को राजनीतिक समाज में बदलने की एक पहल शुरू की थी। और आज हम ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं और एक ऐसा ही दिन है जो मान्यवर कांचीराम साहब को हम आप कह सकते हैं कि उनके इस देश में आने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में अभी हम मौजूद हैं और इतनी भारी संख्या में उनके जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, वो लोग आज यहाँ आए हैं क्योंकि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने जो क्रांति शुरू की थी इतने साल पहले, एक बहुजन समाज पार्टी शुरू करके, वो अभी भी क्रांति जारी है और लोग लगातार उससे जुड़ते हुए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से एक सिंपल उदाहरण से, एक सरल उदाहरण, एक पेन के उदाहरण से उन्होंने पूरे दलित समाज को यह समझाने की कोशिश की थी कि वो लोग अपने हक के लिए कैसे लड़ सकते हैं, कैसे लड़ना चाहिए और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, वो मैं दोबारा आपको एक बार बताना चाहती हूँ। मान्यवर कांचीराम साहब एक पेन को लेकर चलते थे और लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि जो पेन का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको आप कैप बोलते हैं, वो सिर्फ 15% आबादी है देश की जिसने उस पूरे पेन को ढक रखा है, जो कि पूरा बहुजन समाज है। अगर बहुजन समाज उस कैप को हटा के, उस ऊपरली परत को हटा के अपनी जो अंदर की ऊर्जा है, अंदर की जो एनर्जी है, उसको समझे, अपनी ताकत को समझे, तो अपने हकों को पाना आसान हो जाएगा। और ये चीज़ उन्होंने पूरे देश भर में लोगों को समझाई, जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में लोग समझते हुए आ रहे हैं। आज इतनी भारी संख्या में लोगों का यहाँ मौजूद होना ये दिखा देता है कि आज भी उनके समर्थकों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं और उनके कौन से विचार उन लोगों को पसंद आते हैं, आगे जो रास्ते हैं उन पर चलना किस प्रकार से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचा। इतने सारी भीड़ के बीच एक शख्स हमें ऐसे मिले हैं जो चल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये भी अपना एक योगदान देना चाहते हैं इतने सारे लोगों के बीच, कि मान्यवर कांचीराम साहब को अपना नमन करना चाहते हैं कि वो आज के दिन इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, इतना सब कुछ शुरू हुआ है, तो इनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है कि चल ना पाने के बाद भी यहाँ आए हैं। सर, क्या नाम है पहले तो ये जानना चाहूँगी। देखिए, मेरा नाम KP भारती है, मैं गाँव बीच में ग्रेटर नोएडा से हूँ। तो आप चल नहीं सकते हैं फिर भी आज आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने भी साथी सुन रहे हैं यहाँ, मैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज जो यहाँ पर आए हैं हम, मान्यवर साहब कांचीराम की पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। जो भारत देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मिशन था, मिशन है, उनको जिंदा रखने करने का काम साहब कांचीराम ने किया है। साहब कांचीराम ने एक जैसे माली होता है फूल को एक एक तोड़कर माला बनाता है, ऐसे ही साहब कांचीराम ने गांव-गांव जाकर सारे समाज को एक जोड़कर एक माला बनाई, माला जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। आज हम जो आए हैं अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, एक संदेश ये भी देने आए हैं कि आज जो वर्तमान में सरकार आई है वो हमारे अधिकारों का हनन करने आई है, और जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं हम उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके आगे कोई सी भी पार्टी जल्दी से टिकने वाली नहीं है। आपने जिक्र किया है संविधान बदलने की मांग का, तो वो मांग बीच में उठी है और कई बार ऐसी चीज़ें होती आई हैं कि लोग संविधान पर कुछ भी कमेंट्स करके निकल जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार के जो उन्होंने बोल दिया कि नए संविधान की जरूरत है जनता को, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, आप देख रहे हैं मेरी स्थिति, मेरे पैर नहीं है, मगर मेरी बाजुओं में और मेरी जुबान में और मेरी इस कलम में ना इतनी ताकत है, जो संविधान की बात करने वाले हैं ना। मान्यवर कांचीराम साहब भी कलम लेकर चलते थे, कलम के बेस पर समझाते थे कि किस प्रकार दलितों को अपना हक चाहिए, ऊपर वाली कैप को हटा के नीचे वाला पेन है, तो ये सारी चीजें अभी भी युवा समझ रहे हैं? देखो, समझना, यदि युवा नहीं समझ रहे हैं इस कैप को, तो उनको समझना पड़ेगा।
इस 85% को हमेशा आगे रहने पड़ेगा, इसको जो 15% 10% है इसको हमेशा पीछे रखना पड़ेगा। मैं आज भी अपने युवा जो पढ़े लिखे साथी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो लोग नाम कमाने के लिए आगे आ जाते हैं, जो नाम कमाने के लिए आगे आ जाते हैं, जो मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। उनको जो जिनका नाम है ना आगे आ जाते हैं हमारे काम के पे आगे, उनको पीछे रख दो। हमें ये काम करना पड़ेगा और हम 24 में ये काम करके दिखाएंगे कि जो हमारे आगे आ जाते हैं ना हम उनको पीछे करके दिखाएंगे बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। तो आज भी ये चीज चल रही है जो माननीय कांशीराम जी ने शुरू किया था एक पेन को लेके समझाने का काम, आज भी जारी है वो? जी हाँ, आज भी हमारा काम जारी है और हमारी अंतिम सांस तक ये काम हमारा जारी रहेगा जब तक हम सत्ता काबिज नहीं कर लेंगे। क्योंकि आज देख रहे हो देश में क्या हालात है, 2014 से अब तक इस देश में क्या हालात है। एक छोटा बच्चा घड़ा छूने पर उसको पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, क्या ये सत्ता इसीलिए आई है बीजेपी? एक बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही होता है? जो आज शाम को 6 बजे के बाद में बेटी घर से बाहर निकलने के लिए भी डरती है। एक समय था बहुजन समाज पार्टी जब 2007 में सत्ता में पावरफुल में थी तो बहन जी का आयरन बहन कुमारी मायावती जी का लॉ एंड रोड ऑर्डर इतना मजबूत था कि हमारी बहन बेटियां रात को 11 बजे 12 बजे भी बाहर निकल जाए ना बाजार से तो भी हमें ये उम्मीद थी कि सुरक्षित आएंगी। तो अभी 2024 के लिए क्या अनुमान है, क्या लेकर चल रहे हैं, क्या होने वाला है 2024? 2024 में सत्ता बदल होने वाली है। सत्ता बदल हम अपने बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के सभी लोगों को गांव-गांव जाकर ये समझा रहे हैं जो भटक गए हैं, जो हमारे भाई हमसे नाराज हैं, जिनसे हमारी किसी से लड़ाई हुई मनमुटाव हुआ, हम उसे भाईचारा बनाकर दोबारा से हम 2024 में सत्ता पर कब्जा करेंगे बहुजन समाज पार्टी। तो आज इतनी भीड़ जो है यहाँ पर उसको देखकर क्या लग रहा है? आज उस भीड़ को देखकर जो हमें लग रहा है मतलब मनुवादी सरकार को पता पड़ना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि नीला आसमान नीला झंडा इस देश में ही रहेगा। बहुजन समाज पार्टी में पूरे उत्तर प्रदेश में हर समाज हर जाति हर धर्म के लिए काम किया है। चलिए महिला सुरक्षा की बात हो रही है, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। नाम मेरा रे खगोतम। तो आज जानना चाहेंगे आप लोग यहाँ आए हैं कौन सी बातें अच्छी लग जाती है कांशीराम जी? अरे कांशीराम की तो सारी बातें अच्छी लगती हैं। हाँ। जो भी वो बोलते हैं जो भी वो करते हैं, बाबा साहब ने आज जो आप माइक लिए खड़े हो ना वो भी बाबा साहब की बदौलत हो। नहीं आज लड़की को कोई अधिकार नहीं है, नहीं पढ़ाई का नहीं लिखाई का नहीं अच्छे कपड़े पहनने का किसी भी चीज़ का, पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया सब कुछ। और अब क्या मायावती की सरकार आएगी 2024 में, क्यों मोदी जी नहीं आएंगे दोबारा? नहीं, क्यों मोदी जी के जो बोलते हैं वो करते नहीं है वो। अच्छा। झूठ बोलते हैं। हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, बेटी तो हर जगह बेइज्जत हो रही है। हाँ। कहाँ पर बच रही है बताओ? हाँ। कैसे कैसे केस हो रहे हैं? लेकिन 9 साल बेमिसाल का नारा तो दे रही है ना बीजेपी। हाँ 9 साल में तो वो तो देगी, उनके मिले हुए भगत है ना वो तो उनके सारे लगे हैं, लेकिन हमें नहीं लगती उनकी सरकार। हमें तो बाबा साहब की और बहन जी मायावती की सरकार अच्छी लगती है और हम तो उसी के लिए लड़ेंगे। तो 2024 में मायावती, अब हमारा तो पूरा जोर है। हाँ। और हमारे समाज का भी पूरा जोर है। हाँ। शायद आएंगी मायावती हमारे हिसाब से। तो आज आप लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं इतनी भारी भीड़ को देख के क्या लग रहा है कि सही में बदलाव हो सकता है? हाँ जो ऐसी भीड़ रही तो बदलाव तो जरूर होना हो सकता है। हो सकता है, पक्का होगा इस बार मोदी की। मैं सारे देखिए मोदी एक नंबर का झूठा, अब बेरोजगारी मर नंबर वन, युवाओं को रंडवा करेगा शादी नहीं होने देगा, और जिनके शादी हो रही ना उनके बच्चों को भुक्का मार देगा। हाँ वो तो राशन दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? राशन के उसके पिताजी का। हाँ। राशन उसके पिताजी का। देखा हम कपड़े खरीदते हैं चप्पल खरीदते हैं टैक्स देते हैं 18% लोग हम कितना टैक्स बनता है वो हमारा पैसा नहीं दे रहा, राशन फ्री दे रहा 5 किलो राशन 1,60,000 रुपए ले रहा तनख्वाह देने के। हाँ। नौकरी करता है वो। हाँ माना हमने प्रधानमंत्री सम्मानित पद है वो हमारे लिए तो काम करता है। हाँ। उसके बदले 1,60,000 रुपए तनख्वाह लेता है। हाँ। तो बताइए आप जो वो हमें दे रहा है हम उसे दे रहे तनख्वाह। अच्छा जनता उन्हें दे रही है। तो 9 साल बेमिसाल रहे हैं। 9 साल केवल सड़कों पर घूमने में काट दे, 5 साल तो उन्होंने जो पूरी दुनिया घूमे, कभी लंदन जा रहा कभी अफ्रीका जा रहा कभी कुछ जा रहा। 5 साल के बाद जैसे उसे कुछ थोड़ा सा मिला एनआरसी पर लगा दे,
कभी GST पे लगा दे, कभी वहाँ के दंगे करवा दे, कभी वहाँ के दंगे करवा दिए, यानी कि लड़ाई करवाता फिर रहे आप तो। 9 साल बेमिसाल रहे हैं। 9 साल केवल सड़कों पर घूमने में काट दे, 5 साल तो उन्होंने जो पूरी दुनिया घूमी, कभी लंदन जा रहा, कभी अफ्रीका जा रहा, कभी कुछ जा रहा। 5 साल के बाद जैसे उसे कुछ थोड़ा सा मिला, NRC पर लगा दी, कभी GST पर लगा दी, कभी वहाँ के दंगे करवा दे, कभी वहाँ के दंगे करवा दिए, यानी कि लड़ाई करवाता फिर रहे आप तो। अब कुछ भी, अब क्या काम है? अब एक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा छेड़ते हैं नो, अलग राज्य बना दो पश्चिम का, नो पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बना वोट के चक्कर में। लेकिन अब युवा जाग चुका है, अब की बार 2024 में मोदी का दानत चाहता है बिल्कुल तय। काफी काफी जोश है लोगों में आज जो यहाँ आए हैं, तो क्या लग रहा है कि सही में चुनाव की अब तैयारी हो रही है, माहौल बन रहा है? चुनाव की तैयारी है, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने MSc कर रखा है, किसी ने BEd, उन्हें बेरोजगारी का सामना करना, एक एक जोड़ी कपड़े में कम कम से 3-3 दिन हो जा, और उसे तो 1 करोड़ का सूट पहन रहा है, 1 करोड़ का सूट पहन रहा मोदी, और हमारे पास नहीं, देख लो बलियान भी 150 रुपए का मजदूरी करण जा में नहीं करण देते। लेकिन मोदी जी तो खुद को फकीर बताते हैं। 1,60,000 रुपए क्यों ले रहा है? फकीर ले रहे 1,60,000 रुपए। अब ये नुकार है भाई, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा है भाई, ये भाजपा वाले नुकार है, वो तो अपनी सैलरी दे रहे, वो तो सैलरी दान कर रहा, वो कौन सा ऐप है जिससे पता लगेगा कहाँ कहाँ दान कर रहा तू है सैलरी? अच्छा। भाई बहन का खर्चा, भाई का खर्चा, रिश्तेदारी में आने जाने का खर्चा, बहन भी होगी राखी बंधवाने का पैसा कहाँ से दे रहा तू? जब सारी सैलरी दान करते है तो कहाँ का कर रहा? कपड़े कहाँ से पहन रहा? खाना कहाँ से खावा? तब मैं ये कह रहा है झूठ बोलना है, झूठ बोलना, झूठ। वो तो ईमानदार बताते हैं खुद को, BJP तो बोल रही है कि भ्रष्टाचारियों को एक तरफ कर दिया, अब ईमानदार पार्टी रह गई ना। अब आप चौकीदारी चोर है, चौकीदारी चोर बोल रहे हैं। देखिए ये माइक आप ले रही, अगर इसे मैं खोस लूं तो मेरा हो जाएगा, मैं जिसे चाहूंगा सब बुलवाऊंगा। तो मोदी का शासन है, इसे यहाँ तो चोर भी सब राजा बन रहे, चोर भी राजा बन रहे। 2024 के लिए क्या अनुमान लगा रहे, क्या ऐलान कर रहे हैं 2024? देखिए 2024 का अनुमान नहीं है, 2024 का पक्का इरादा है, पक्का सीने पे गोली खा लेंगे, पर वो मोहर लगेगी अति पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी। मोदी जी का एक ही नारा है, ना घर चला है हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। 7 साल की कमाई 7 साल में लुटाई है ना, आए थे गंगा के लाल बनकर, रह गए अडानी अंबानी के दलाल बनकर। इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बताओ क्या कर रहा है बेरोजगारी के मामले में? बताओ हर बेरोजगारी में दुनिया में भारत नंबर 1 है, भुखमरी में नंबर 1 है ना, और आपसे नफरती में भी नंबर 1 पे पहुँचने वाला भारत। मोदी जी से खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम जमीन पे काम करने वाले मजदूर आदमी हैं। वो मजदूर आदमी से, और उस मजदूर आदमी से पूछो जो 20 किलोमीटर साइकिल लेके जाता है रोजगार की तलाश में और वापस लौट के आता है, उससे पूछो उसके बच्चे क्या खाएंगे शाम को, उसके घर पर बदलाव की मांग कर रही है। बदलाव होना है, बिल्कुल बदलाव होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेरोजगारी का ही सवाल कर रहे हैं जितने लोग यहाँ पर हैं, एक ही सवाल है कि अगर इतना काम किया है तो फिर भी इतनी बेरोजगारी क्यों? और यही मुद्दे शायद चुनावी मुद्दे रहेंगे, और सीधा सीधा साफ बोल रहे हैं कि 2024 में तो बदलाव ही होगा। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।